Hey guys, this is me, Swati, and today's topic is dynamic routing. Till now we have covered the router fundamentals, including static routing and basic configuration of routers. And aaj jo hum karenge wo hai dynamic routing. So first of all, routing kya hai? Let me just revise you. Routing क्या है कि जब router को कोई data packet send करना होता है तो उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए जो राउटर डिसीजन लेता है कि किस पाथ पर उसे वो पैकेट फॉरवर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग. सो डायनेमिक राउटिंग क्या है? डायनेमिक राउटिंग इज कि जब हम राउटर को इनेबल करते हैं कि वो अपने आप डिसीजन ले कि किस पाथ पर उसे डेटा पैकेट फॉरवर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक राउटिंग. जो लास्ट टाइम हमने स्टैटिक राउटिंग किया था, स्टैटिक राउटिंग इज कि मैनुअली हम कन्फिगर करते हैं राउटर्स को, मैनुअली हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं राउटर पर कि जब उसके पास किसी स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए डेटा पैकेट आएगा तो उसे किस पाथ पर जो पैकेट है वो फॉरवर्ड करना है. एंड डायनेमिक राउटिंग में हम प्रोटोकॉल्स इनेबल करते हैं. वो प्रोटोकॉल्स आपस में राउटिंग इंफॉर्मेशन, राउटिंग टेबल्स को शेयर करते हैं. एंड उन राउटिंग टेबल्स को शेयर करके जो है एक राउटर को पूरा का पूरा नेटवर्क क्लियर हो जाता है. सो बेस्ड ऑन दैट नेटवर्क टोपोलॉजी जो राउटर के पास है, वो राउटर डिसीजन लेगा कि जब उसके पास किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए डेटा पैकेट आए तो वो उसे किस पाथ पर फॉरवर्ड करेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल. राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप्स के हम जो है कन्फिगर करते हैं राउटर्स पर. द फर्स्ट वन इज इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड सेकेंड वन इज एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल. इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल वो होते हैं जो एक ऑटोनॉमस सिस्टम में वर्क करते हैं. एंड एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल वो होते हैं जो दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम्स को कनेक्ट करवाते हैं. नाउ व्हाट इज ऑटोनॉमस सिस्टम? सो ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है कि जब आपके पास एक कंप्लीट नेटवर्क है, उस कंप्लीट नेटवर्क को आप कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो उसे हम ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं. लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर में मेरे पास 5 ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं. तो एक सिंगल नेटवर्क है, एक सिंगल नेटवर्क को हमने अलग अलग जो है कैटेगराइज कर लिया है और उनको हमने अलग अलग तरह का कंट्रोल दिया है, तो वो हो गया एक अलग ऑटोनॉमस सिस्टम. तो आप कह सकते हो कि एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं. नाउ इस ऑटोनॉमस सिस्टम के बेसिस पे आईजीपी क्या होगा? वो प्रोटोकॉल जो विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम वर्क करेगा. एंड ईजीपी क्या होगा? वो प्रोटोकॉल जो दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम्स को कनेक्ट करवाएगा. आईजीपी में हम जो है आगे स्टडी करेंगे, हम 3 प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, दैट इज रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड ईआईजीआरपी, दैट इज इंटीरियर एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल. तो ये सारे आईजीपी प्रोटोकॉल्स हम स्टडी करेंगे. एंड नेक्स्ट इज द स्टैटिक एंड डायनेमिक में डिफरेंस. सो स्टैटिक राउटिंग जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्टैटिक राउटिंग कवर किया है. अगर आपको स्टैटिक राउटिंग क्लियर नहीं है तो आप हमारा जो लास्ट स्टैटिक राउटिंग का ट्यूटोरियल है वो विजिट करके उसको देख सकते हैं. स्टैटिक राउटिंग में क्या है? स्टैटिक राउटिंग मैनुअल कन्फिग्रेशन होती है एंड डायनेमिक राउटिंग ऑटोमेटिक कन्फिग्रेशन होती है नेटवर्क पाथ्स की ऑन द राउटर्स. सो जो स्टैटिक राउटिंग है वो छोटे नेटवर्क्स के लिए अच्छी होती है एंड डायनेमिक राउटिंग इज गुड फॉर लार्ज नेटवर्क्स. रीजन बीइंग, अगर कोई नेटवर्क छोटा है तो उस पर हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ईजी कर सकते हैं, उसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन अगर एक बड़ा नेटवर्क होता है तो हर नेटवर्क के हर डिवाइस पर जाके उसको कन्फिगर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए डायनेमिक राउटिंग हम बड़े नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं एंड स्टैटिक राउटिंग हम स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं. द सेकेंड वन इज स्टैटिक राउटिंग इन्वॉल्व लेस कॉस्ट. स्टैटिक राउटिंग में कॉस्ट कम होती है बिकॉज बहुत जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली राउटर्स नहीं लेने पड़ते, आप सिंपल राउटर्स ले सकते हो. बिकॉज स्टैटिक राउटिंग है, मैनुअल कन्फिग्रेशन करना है तो राउटर को अपने आप कोई कन्फिग्रेशन नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है. तो हम वहाँ पे
वो राउटर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी रैम कम हो या जिसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, वहाँ पे वो राउटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई स्टैटिक राउटिंग में जो लेस कॉस्ट होती है, बजट जो है वो कम होता है, एंड स्टैटिक राउटिंग जो है वो स्मॉल नेटवर्क्स में होती है तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको ईजिली कन्फिगर भी कर सकता है, ईजिली मेनटेन कर सकता है। अब डायनेमिक राउटिंग में बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं राउटर्स को, तो हमें अच्छे राउटर्स वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। हार्डवेयर जो है वहाँ पे हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल हार्डवेयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए डायनेमिक राउटिंग की कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा बैठती है। द थर्ड वन इज रूट्स कैन नॉट बी चेंज अंटिल ऑथराइज बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए जब तक हम मैनुअली कोई चेंज नहीं करते डिवाइसेस पर कोई चेंज नहीं आता है। एंड डायनेमिक राउटिंग में ऑटोमेटिक होता है तो जो राउटर्स हैं वो अपने आप ही पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें नहीं करना पड़ता स्पेसिफाई। और इसी चीज़ का एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो अपने आप कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए अगर किसी नेटवर्क में कोई लिंक डाउन हो जाता है तो राउटर्स को वो पता नहीं लगेगा बिकॉज वो आपने खुद कॉन्फ़िगर नहीं किया। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में अगर कोई लिंक डाउन हो जाता है तो राउटर्स उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड करते हैं बाय सेंडिंग द राउटिंग टेबल अपडेट, तो राउटर्स को वो पता होता है कि कौन सा लिंक डाउन है और वो उस नेटवर्क लिंक पर डेटा पैकेट सेंड नहीं कर सकते। सो दैट वॉज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। दैट्स ऑल फॉर डायनेमिक राउटिंग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डायनेमिक राउटिंग को कन्फिगर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सो दैट्स इट अबाउट डायनेमिक राउटिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द ट्यूटोरियल यू कैन राइट अस इन कमेंट सेक्शन। Thank you for watching the video. Till then, keep learning. Bye-bye.